बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम यूनिट नंबर 12। देर आर मेनी मैथड्स टू प्रिपेयर अल्केन, बट हेयर वी विल डिस्कस टू मैथड्स विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। मैथड नंबर वन, दैट इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। यू नो दैट अल्कीन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल बॉन्ड एंड अल्काइन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन इन अल्केन्स एंड अल्काइन्स। और ये जो रिएक्शन होता है, इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन का होना ज़रूरी है। मतलब क्या है कि हम इथीन ले लेते हैं। इथीन आपको पता है अल्कीन ग्रुप्स का सिंपलेस्ट मेंबर जो है, हैविंग डबल बॉन्ड। और जब हम इसमें मोलिकुलर हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे, उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ टेम्परेचर शुड बी ऑफ रूम टेम्परेचर होना चाहिए। प्लैटिनम एंड प्लैटिनम इज़ यूजिंग एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं विच डस नॉट टेक पार्ट एक्चुअली इन द केमिकल रिएक्शन, जिस जस्ट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। तो क्या होगा, पहले स्टेप में जी डबल बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द इथीन मोलिक्यूल, ये ब्रेकअप होगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है ये ब्रेकअप हो जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी और दूसरी हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर आके उसकी एडिशन हो जाएगी। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ये जो डबल बॉन्ड है इट विल कन्वर्ट इन टू द सिंगल बॉन्ड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज़ कन्वर्टेड इन टू द सेचुरेटेड इथेन के अंदर जो कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इथाइन है हमारे पास। जब हम इथाइन के अंदर हाइड्रोजन के एडिशन कराते हैं, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है ये जो है वो पहले कन्वर्ट टूट ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और एक एक हाइड्रोजन, एक इधर और एक हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पर अटैच हो जाएगी एंड इट विल कन्वर्ट इनटू सिंपल इथाइन। से ये इथाइन है जी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथीन। और इसके लिए भी स्पेसिफिक कंडीशन है, निकल चाहिए आपको एज अ कैटलिस्ट और टेम्परेचर जो है वो 250 to 300 सेंटीग्रेड आपको रिक्वायर्ड है। और जब इथेन फॉर्म होगा तो इथेन की फिर आप हाइड्रोजिनेशन करवा दें तो इथीन से यू कैन गेट इथेन वेरी इजीली। एंड द सेकेंड मेथड इज़ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन का मतलब क्या है जी? रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब है एक हाइड्रोजन, सिंगल अटोमिक या मोनोटोमिक हाइड्रोजन एटम का ऐड हो जाना इनटू अल्काइल ग्रुप, अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं जी, इसको हम देख लेते हैं। जैसे आपके पास सिंपल अल्केन है, ये जी मीथेन है। मीथेन का अगर एक एच रिप्लेस कर दिया जाए तो वो मिथाइल बन जाता है, और उसको रिप्लेस किसे करना है, किसी भी हैलोजन के साथ। इसमें जो हैलोजन आप यूज़ कर रहे हो वो ब्रोमीन है, तो ये क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड। और इस अल्काइल हैलाइड का नाम क्या होगा, मिथाइल ब्रोमाइड। अगर आप मिथाइल ब्रोमाइड के अंदर जो है ये निसेंट हाइड्रोजन, जिसको मैंने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसकी एडिशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड डिल्यूट HCl, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो है वो इस यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी और एक हाइड्रोजन जो है वो इस ब्रोमीन के साथ ब्रेक करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना देगी, जो कि आप देख सकते हो CH3 है। हाइड्रोजन के ऐड होने से क्या बन जाएगा जी, CH4 एंड प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसी तरीके से आप इथाइल ब्रोमाइड ले लो, इसके अंदर जब हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो क्या होगा जी, एक हाइड्रोजन इधर आके ऐड हो जाएगी और एक हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ जो है वो रिएक्ट कर लेगी। और कंडीशन इज सेम, तो इथाइल ब्रोमाइड से क्या बन जाएगा जी, इथेन बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।